तो ये है मेरी पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि बिल्कुल छोले चावल जैसे ही है। बस चावल की जगह मैं यहाँ पे सोया यूज़ कर लेता हूँ, और चावल मेरे को जब एक्स्ट्रा कार्ब्स चाहिए होते तो उसके बाद मैं चावल यूज़ करता हूँ सोया के बाद। तो बेसिकली बनाने के लिए टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जो भी आप बेसिक यूज़ करते हो तड़के के लिए वो चाहिए होगा, और ऑब्वियसली छोले उबाले हुए, जो कि मैं 100 ग्राम छोले पहले उबाल कर रख लेता हूँ। और सोया यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे 44 ग्राम्स। 44 ग्राम्स का कोई रीज़न नहीं है, बस उस टाइम मेजर में 44 आया, नहीं तो मैं 45 यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं तड़का लगाऊंगा सबसे पहले नॉर्मली जीरे का। घी यूज़ करा है यहाँ पे मैंने, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, मेरे को पर्सनली घी ज़्यादा पसंद है छोलों में। और इसके बाद मैं नॉर्मल इसको तड़का लगाऊंगा, और एक छस सी आवाज़ आती है जिससे पता लगता है हाँ भाई तड़का एकदम आपका सही लगा है, कोई गड़बड़ नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च ऐड करूँगा। अदरक लहसुन हरी मिर्च ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको हल्की सी गैस पे, मतलब गैस ज़्यादा तेज़ मत रखना आप, फ्लेम ज़्यादा तेज़ रखोगे तो जल जाएगा। और यहाँ पे मैं हल्का सा अपने हिसाब से ब्राउन करता हूँ इसको, आप जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, जितना आपको मन करे उतना पका लो। और इसके बाद मैं यहाँ पे प्याज ऐड करूँगा। प्याज और टमाटर मैं मेजर नहीं करता क्योंकि इनमें बहुत कम कैलरीज होती हैं, और कोई इतनी ज़रूरत नहीं लगती मेरे को मेजर करने की, और मैं बहुत कम क्वांटिटी में इनका यूज़ करता हूँ। और टमाटर भी मैंने जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा पसंद है छोले, और आप अपने हिसाब से इसको ट्वीक कर सकते हो। मैं इसको पर्सनली इस मील को पिछले 1 साल से खा रहा हूँ, और मेरे को ये मील सच बताऊँ मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ अलग सा खा रहा हूँ, और मेरे को इसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मली सोया का जो है टेस्ट आता ही नहीं है इसमें। जब भी मैंने इस मील को मतलब किसी भी दाल के साथ या किसी भी दाल के साथ या राजमा के साथ कभी भी कंज्यूम करा है, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं है कि कोई अलग सा टेस्ट है। इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा ब्राउन राइस जैसा ही होता है, ब्राउन राइस के साथ आप मान लो आप छोले खा रहे हो बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे जो है टमाटर का मैं वेट कर रहा हूँ ताकि टमाटर का कच्चापन जो है वो निकल जाए, और जो घी होता है वो थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो जाए यहाँ से टमाटर से। उसके बाद मैं यहाँ पे जो धनिया पाउडर रह गया था वो मैंने यहाँ पे डाला है। मेक श्योर आपके मसाले जो है अच्छे से पक जाए ताकि आपको टमाटर का और मसालों का कच्चापन जो होता है खाने में वो ना आए। और इसके बाद यहाँ पे छोले यूज़ करूँगा। 100 ग्राम्स छोले मैंने उबाल के रखे थे, और 50 ग्राम्स मैं एक दिन कंज्यूम कर रहा था, और 50 ग्राम्स मैं नेक्स्ट डे कंज्यूम कर रहा था। और इसको अच्छे से मिक्स करूँगा यहाँ पे ताकि जो है ग्रेवी, जो एक कंसिस्टेंसी होती है ग्रेवी की, वो निकल के आ जाए। सिंपली अच्छे से मिक्स कर लेना सब। और इसके बाद मैं सोया उबालता हूँ। सोया उबालने के बाद उसको 2-3 मिनट उबालना है गैस पे। जैसे ही पानी ऊपर आ जाए बंद कर दो गैस, और पानी अच्छे से सोया का निकाल दो, क्योंकि पानी थोड़ा इसका मेरे को ठीक नहीं लगता। उसके बाद ये मील आपकी रेडी है।